He's going for it. It's a six. देखो आप लोग कहाँ मिले तो दुनिया जानती है, लेकिन पहल किसने की? आपने की, इन्होंने की? तो मेरे दोस्त ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, सब कुछ हुआ, हम टूर्नामेंट में थे, तो मैं टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बन के गया। ठीक है, तो वो चीफ गेस्ट बनना ऐसा हो गया कि मैं रोज टूर्नामेंट में जाने लगा। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, यार तू एक दिन चीफ गेस्ट बन के आया, तू रोज टूर्नामेंट देखने आ रहा है। तो वो समझ गया था, मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं था, फिर भी वो समझ गया था। ऑब्वियसली दोस्त, आपको पता ही है कैसे होते हैं। मैंने थोड़ा बोला, यार कुछ बात करो, कुछ आगे बात बढ़ाओ, ये वो। एक्स्ट्रा भाव मिला इंडिया प्लेयर। उस टाइम प्रतिमा को पसंद नहीं था, पता क्यों? क्रिकेटर आ गए। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, हम चार बहनें थे वहाँ पर उस वक्त, और चारों सिस्टर्स, चारों इंडियन प्लेयर्स। तो हम में से किसी को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, इनको और शिखर धवन को जानते थे लोग, और इसको ज़्यादा, बिकॉज शिखर धवन तब इंडिया के लिए नहीं खेल रहा था जी। सो थोड़ा सा जेलस फीलिंग आ जाती है। तो यार शादी तक बात कैसे पहुँची? हाँ, तो शादी ऑब्वियसली कि जब मैंने देखा तब मैं डिसाइड कर लिया कि बस यही है। डे वन हाँ, तुम ही हो। मैं प्रतिमा से एक्चुअली बहुत शाय था उस टाइम पे, मैं बात ही नहीं करता था। फिर एक साल लगा प्रतिमा को, मतलब प्रॉपर मैनेज करने में, समझाने में, पटाने में। तब एक साल के बाद जब मुझे लगा कि दाल पक चुकी है, तब मैंने प्रपोज किया था। इसका नेचर ऐसा, इसने बताया ना कि मेरी सिस्टर से ज्यादा बात करता था, मुझसे कम करता था, बिकॉज शर्माता होगा। सो मुझे कभी हिंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ऑस्ट्रेलिया गया था उस साल, तो थोड़ा सा हिंट दे के गया था, पहले ही बोल दिया था कि मैं आऊँगा, तुमसे समथिंग इम्पॉर्टेंट कुछ बात करनी है। वो तो इतना तो एक्सपीरियंस हर लड़की को होता है कि पता होता है वो समथिंग इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ दैट। बस इतने टाइम, एक महीने तक पता चला था, एक साल का ये केस था, ये नहीं पता था मुझे कि एक साल से ऐसा है। तो यू आर कन्विंस के हाँ ठीक है? या इतना, मतलब अब सामने नहीं बोला चाहिए, बट ही इज़ अ नाइस गाय, सो या। एंड व्हाट्स द वन थिंग यू लव अबाउट हिम? एवरीथिंग। इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो और जो सच्ची चीज़ है प्रतिमा की, कि प्रतिमा हमेशा जो भी चीज़ है वो मुँह पे बोलती है कि नहीं ये नहीं तो ये सही है, तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है।